नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 9 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 9 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन कर बताना है कि किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो फ्यूज का है, किसका कार्य सिद्धांत है दोस्तों, तो आपको फ्यूज का ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो आपको स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है, ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना डैश के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो आपको जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी, किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी, तो आपको जवाहरलाल नेहरू के, ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी रेंज यानी कि पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है। तो आपको 900 से 1100 मीटर है। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो आपको 900 से 1100 मीटर है, ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। तो आपको कंडम हो सकता है, कौन सहायक हो सकता है, तो आपको कंडम हो सकता है, ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन कर बताना है कि कौन सी वायु राशि गर्म है। तो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि जो है आपको गर्म है, कौन सी वायु राशि गर्म है, तो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि जो है आपको गर्म है, तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन कर बताना है कि कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। तो बोध गया नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, तो बोध गया नहीं है, ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही वृत्तकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। तो आपको सकेंद्रित वृत्त होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, तो सकेंद्रित वृत्त होती हैं, ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगी। तो उसका प्रतिरोध जो है आपको मूल का 5 गुना हो जाएगी, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगी, तो आपको मूल का 5 गुना हो जाएगी, ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है आपको महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लवक और माइटोकांड्रिया के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? तो लवक और माइटोकांड्रिया के। ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको बंगाली भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? तो आपको बंगाली भाषा है। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। तो C2H4 है। कौन सा सूत्र है दोस्तों? तो C2H4 है। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो डैश होगा, तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। तो क्या होगा दोस्तों? तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंद होते हैं? तो CH4 में केवल एकल बंद होते हैं। किस अणु में केवल एकल बंद होते हैं? तो आपको CH4 में। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। कितने डिग्री के कोण होने पर? तो आपको 90 डिग्री का कोण होने पर। ऑप्शन तीन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण करता है। यही अभिक्रिया जो है आपको द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। तो वायु में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत में वृद्धि होना एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कह रहा है कि बिच्छू बुट्टी के पत्तों के चुभने वाले रोएं द्वारा मेथनोइक अम्ल इंजेक्ट होता है जिससे जलन के साथ दर्द होता है। बिल्कुल कथन एक जो है आपका सही है। कथन दो कह रहा है कि चुभने वाले स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे मृदु क्षारक का प्रयोग करने से राहत मिलती है। बिल्कुल कथन दो भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। कथन दो जो है कथन एक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के पी और एफ के बीच की दूरी की दुगुनी दूरी पर स्थित होता है वह डैश कहलाता है। तो वह आपको वक्रता केंद्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन चार जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। उस उपकरण का क्या नाम है दोस्तों? तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन दो जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं, वे कौन सा तत्व हैं? तो वे आपको फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन हैं। वे तत्व कौन कौन से हैं? तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन हैं। ऑप्शन दो जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडित की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो आपको कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? तो कोशिका द्रव में होती है। ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, एंड बाय।